14 सितंबर को प्रतिवर्ष हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हम जानते हैं कि हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। जिस वक्त हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश में करीब 546 रियासतें थी, मतलब राजाओं का शासन था, जिसमें सभी लोग कुछ क्षेत्र के आधार पर तो कहीं पे भाषा के आधार पर भिन्नताएं थी। हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को उन सभी को एक करने का जिम्मा दिया गया। उन्होंने काफी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन वो सभी को एक करने में सफल रहे। और हमारे देश के संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को यह पारित किया गया, हिंदी को हमारे राजकीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा के रूप में, हमारी मातृभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। तब से प्रति वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। सभी को इस हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर माता हिंदी के पावन चरणों में अपने कुछ शब्द जो उन्हीं से मुझे मिले हैं मैं अर्पित करने जा रहा हूं। सरलता है, शीतलता है, मधुरता है, मिठास है। हमारी हिंदी भाषा सुनने में, बोलने में जितनी आसान और जितनी अच्छी लगती है, उसकी तुलना बाकी भाषाओं से नहीं की जा सकती। सरलता है, शीतलता है, मधुरता है, मिठास है। भाषा बहुल इस देश में हमारी हिंदी सबसे खास है। हमारे देश में लगभग 1800 के करीब भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और हिंदी हमारी सबसे प्यारी भाषा है। सरलता है, शीतलता है, मधुरता है, मिठास है। भाषा बहुल इस देश में हमारी हिंदी सबसे खास है। अनुशासित है, मर्यादित है, अनुशासित है, मर्यादित है, शालीनता से परिभाषित है। ये वो भाषा है जो स्वयं के शब्द दीपों से प्रकाशित है। आगे अब मैं अपने प्रमुख पंक्तियों को प्रारंभ कर रहा हूं। मीठी है, शालीन है, सारी भाषाएं इसके अधीन है। मीठी है, शालीन है, सारी भाषाएं इसके अधीन है। ममता, दया और करुणा का संगम है, कटुता, व्यंग और कटाक्ष में संयम है। इसमें प्रत्येक शब्द का हृदय ही आधार है। हिंदी हमारी भाषा है, हमें हिंदी से ही प्यार है। आन है हिंदी, शान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी, संपूर्ण विश्व का ज्ञान है हिंदी, हिंदी हमारी पहचान है, ये सारी भाषाओं की जान है। करुणा का दर्पण है हिंदी, करुणा का दर्पण है हिंदी, संवेदना का दर्शन है हिंदी, ममता का आंचल है हिंदी, प्रेम दया का सागर है ये, स्नेह की छाया है हिंदी। इसने असंख्य शब्द दिए, प्रत्येक भावों को अर्थ दिए। हमारे मन में जितनी भी भावनाएं उत्पन्न होती है, चाहे गहरे से गहरे दुख का हो, चाहे गहरे से बड़े से बड़े सुख का हो, चाहे क्रोध की भावना हो या ईर्ष्या की भावना हो, किसी भी प्रकार की भावना हो, हर भावना के लिए हमारी हिंदी एक विशेष अर्थ वाले, एक विशेष रूप के शब्द प्रस्तुत करती है। इसने असंख्य शब्द दिए, प्रत्येक भावों को अर्थ दिए। और हमारे हिंदी की विशालता देखिए, अगली पंक्ति में आपको पता चलेगी। इसने असंख्य शब्द दिए, प्रत्येक भावों को अर्थ दिए, विशालता देखो हमारी हिंदी की, इसने अनर्थ को भी अर्थ दिए। अनर्थ एक शब्द है, वो भी हमारी हिंदी भाषा में परिभाषित होता है, उसका भी एक अर्थ होता है। हरिवंश की मधुशाला हो,
हरिवंश राय बच्चन हमारे देश के एक प्रसिद्ध कवि थे, उनकी एक प्रमुख रचना है जिसके लिए उनको जाना जाता है, उस रचना का नाम है मधुशाला। हरिवंश की मधुशाला हो या सवार दिनकर रश्मि रख पर दिनकर, हरिवंश की मधुशाला हो या सवार दिनकर या सवार रश्मि रख पर दिनकर, स्वदेशी सुभद्रा हो या प्रेम पथिक जयशंकर। तुलसी की मानस है ये वाल्मीकि का काव्यवान, तुलसी की मानस है ये है वाल्मीकि का काव्यवान। रहीम और रसखान ने भी बांटा जन्मे कृष्ण ज्ञान। निर्गुण भक्ति पद हो या सगुण भक्ति की धारा, निर्गुण भक्ति पद हो या सगुण भक्ति की धारा, हर युग में मां हिंदी में है एक विश्वास उभारा। यहाँ विश्वास भी एक कवि का ही नाम है, आप लोग जानते होंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कुमार विश्वास, हमारे आधुनिक भारत के सबसे प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कवियों में आते हैं। निर्गुण भक्ति पद हो या सगुण भक्ति की धारा, हर युग में मां हिंदी में है एक विश्वास उभारा। ले आशीष बुजुर्गों का अब हम संभालेंगे हिंदी की डोर, ले आशीष बुजुर्गों का अब हम संभालेंगे हिंदी की डोर, इंदिराज की कलम भी चल पड़ी है मां हिंदी के चरणों की ओर। इसी के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हम सीखने के पथ पर जब तक अग्रसर रहेंगे, जो भी भाषाएं हमारे लिए आवश्यक है वो सारी भाषाएं हम सीखेंगे, लेकिन हम अपनी मातृभाषा हिंदी को, हम अपने देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी को कभी भूलेंगे नहीं और उसे भी वैश्विक भाषा बनाने का प्रयास अवश्य करेंगे, जिस प्रकार से हमारे देश के कवियों और लेखकों ने किया है, हम भी उस दिशा में प्रयास अवश्य करेंगे। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। चिड़िये के बच्चे चार घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाए उत्तर से दक्षिण को आए, घूम घाम जब घर को आए मम्मी को एक बात सुनाए। देख लिया हमने जग सारा अपना घर है सबसे प्यारा, धन्यवाद। और जीता है। कवि ने प्रेम
जल हुआ मैं जेल में, माँ बाप का चेहरा मैंने देखा नहीं। रोती रही माँ देव की जुदाई होने मुझे भेंट में। मामा से मेरा उपहार ये, मेरे माता पिता लाचार थे। छह भाइयों का मारा सामने आंसू थे माँ के आंखों में। वैसे तो क्या भगवान है, अजीब सा ये खेल है। मेरे माता पिता मेरे देवता, वो दोनों ही थे जेल में। कर्तव्य मिले मुझे जन्म से, बचपन बीता संघर्ष में। जिस माँ ने पाला पोषण मुझे, उससे ही हो गया दूर में। विधि का क्या विधान था, क्या लेख लिखा था कर्मों का। तुम ठीक से रो तो लेते हो, मैं रो भी न पाया चैन से। कहने को तो मैं सब कुछ था, मैं राजा भी मैं रंग भी। कष्टों से भरा था जीवन मेरा, दुखों का मेरा अंत नहीं। खेल कूद के उम्र में कर्तव्य मेरे अनेक थे। छुड़वाना था मेरे माता पिता को, कई वर्षों से ख्याल थे। धर्म के चलते कर्म से वो वृंदावन भी छोड़ दिया। मथुरा की उन गलियों से अपना दामन मोड़ लिया। वृंदावन के साथ साथ किस्मत भी मेरी रूठ गई। प्राणों से भी प्रिय मेरी वो राधा रानी छूट गई। बांसुरी को भी त्याग दिया, सब छोड़ छाड़ के दूर गया। सुदर्शन धारण करके कान्हा धुन मुरली के भूल गया। धन बचाने के खाते हंसना फुटो चला गया। मैं माखन चोरी करता था कभी, न्यायाधीश बन गया। समय का चक्र अजीब था, मैं जीत कर भी हार गया। धन बचाने वालों को दुनिया ने कभी बता दिया। तरह तरह के श्राप मिले, असुरों की बूंदे सूख गई। माँ गांधारी के श्राप से मेरी द्वारिका नगरी डूब गई। मेरी बांसुरी भी छूट गई, मेरी द्वारिका भी डूब गई। मैंने क्या ही पाया जीवन से, जब प्रेमिका ही दूर गई। विश्राम करने लेटा था मैं, तीर पैर में आ लगी। तुम जीते जिंदगी चैन से, मुझे मौत चैन ही ना मिली। मानव के इस रूप में मैंने जाने क्या क्या देखा। मेरे वंश का पतन देखा, गर्भीत का मस्तक देखा। द्रौपदी का चीरहरण, अभिमन्यु का अकाल मरण, कुरुक्षेत्र की भूमि में भारी भरकम विध्वंस देखा। धन्यवाद। सुधारने वाला समाज इतनी सी तमन्ना थी कि
झुलू कभी आसमान को, इतनी सी तमन्ना थी कि झुलू कभी आसमान को, पर नींद खुली तो बाहर देखा इस दुनिया में हो रहे बुरे हाल को। फिर सोचा मैंने मन में कि छोड़ दूँ इस माया मोह के जाल को, जब देखा घर का समाज में लड़का लड़की में हो रहे भेदभाव को। फिर हुआ सवेरा पहुँचे हम 8 मार्च को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में शुरू हो रहे जंजाल को। धीरे धीरे ये भी भूल गए लोग आ गए अपनी औकात पे, धीरे धीरे ये भी भूल गए लोग आ गए अपनी औकात पे। फिर से शुरू होने लग गए समाज में लड़का लड़की में भेदभाव। धन्यवाद। निश्चित चैन भरा जीवन। आगे चलना और बढ़ना है।
जिसने काल को जी हुआ ऐसी हाल भाषा है हिंदी सर सब।
नदी का समान बना। दाढ़ी अबला न होती भी दुष्कर्म झेलती रहती है। जीवन दाम उस पापी की सीने पर मूंद रखती है। धर्म शांत मन लगता है, उसे पाप से चढ़ता है। कर्म शासन जरा संस्कार रूप आदमी रखता है। अपना दम घटता जाता, भोजन होता अपकर्म भरा। सबका जीवन स्वाप रहे, घर सुधर चक सुदर्शन आम धरा। मैं कुछ और लाइन से राम की बात पढ़ना चाहूंगी। मैं हाथ काट के रख लूंगा ये नाम समझ आ जाए तो। कितनी दिक्कत होगी अगर राम समझ आ जाए तो। राम राम तो कह लोगे फिर राम शब्द भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर पाना है। देख कर इंसान को इंसानियत घबरा रही, जुर्म के इस खेल में हाय हयात शर्मा रही। देख कर इंसान को इंसानियत घबरा रही, जुर्म के इस खेल पर हाय हयात शर्मा रही। पर भी पतित पावन पावनी गंदी हुई विकार रही है। पतित पावनी पावनी गंदी हुई विकार से कट रही है ये धरा जुर्म की बुछार से। जुर्म कर न जान दे न धर्म की जो इंसान दे न मन गई है। मधुप्रीति देख कर इंसान को इंसानियत भी घबरा रही, जुर्म के इस खेल पे हार हया भी शर्मा रही। हो सके तो लूट लो उसको लूट रहा है जो आपको इंसान से भेस में उस आनंद को भगवान को। बस निरंतर ही चला जाता हूँ। इसके महत्व को अगर समझोगे जीवन में अपने लक्ष्य हासिल करोगे। सारे काम समय पर ही होते यह चाहे हमें कितने भी हो होगा काम समय पर ही। इसलिए समय के महत्व को समझो। समय कहता मैं तुम्हारे साथ हूँ, समय कहता मैं तुम्हारे साथ। जब घबराए तो खुद को एक किस्सा सुना देना। जिंदगी कितने भी मुश्किल क्यों ना हो मुस्कुरा देना। आसानी से सब कुछ हासिल हो तो उसकी कदर कहाँ। जरूरी है कुछ पाने के लिए कुछ गवा देना। जाहिर है मुसीबतों में साथ कोई अपना नहीं रहता। चुप रहना बेशक बस आग से एक कतरा बहा देना। शिकायतें सिर्फ दिल मैला करती है और कुछ नहीं। आसान है गले मिलकर कभी सब कुछ भुला देना। बीते हुए दौर की बातें याद कर हासिल क्या हासिल प्यारे, क्या जरूरी है कल की याद में आप अपने आज को सजा देना। कुछ कमियां हम सब में हैं ये जानते हैं हम। बहुत बड़ी बात है किसी के ऐब को बेवजह छुपा देना। ऐ दुनिया में खुशनुमा और भी बहुत अच्छे ख्वाहिश। काश कोई ऐसा लिख कि दिल से दिल सबके साथ है। हिंदी हर हिंदुस्तानी की पहचान है। हिंदी एकता की अनुभव परंपरा है। हिंदी हर दिलों का अरमान है। हिंदी बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, किरे प्रलय की घोर हटाए। बाहों के नीचे अंगारे सिर पर वर्षे यदि ज्वालाएं। निज हाथों पे हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, हास्य रुदन में तूफान
कलाओं में वीरानों में अपमानों में शर्मानों में उन्नत मस्तक उगड़ा सीना पीड़ाओं में पलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारों में अंधकार में कलकार में बीजधार में घोर ग्रह में भूत प्यार में चिरंजीव में दीर्घहार में जीवन के सत्सव आकर्षक अरमानों को ढलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर थे पर सम्मुख फैला अगर थे पर प्रगति चिरंतन कैसे इतम सुषमित हर्षित कैसा समृत असफल सफल सम्मान मनोरथ सब कुछ देकर कुछ नवांते पावस बनकर ढलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा। ये आसमां छीन गया तो क्या हुआ नया ढूंढ लेंगे ये आसमां छीन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे हम ऊपर इतने नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। मत पूछो हौसले हमारे आज कितने बेशक विशब्द हैं एक नई शुरुआत नया आरंभ तय है माना अभी हम ही शब्द हैं माना अभी हम ही शब्द हैं ये पड़ावर छूट गया तो क्या नया सागर ढूंढ लेंगे ये पड़ावर छूट गया तो क्या नया सागर ढूंढ लेंगे हम वो बस्ती नहीं जो तैरना छोड़ देंगे कदम चलते रहेंगे जब तक सांस है परिस्थितियाँ से परे स्वयं पर हमें विश्वास है एक रास्ता मिला नहीं तो क्या नई राहें ढूंढ लेंगे हम वो मुसाफिर नहीं जो चलना छोड़ देंगे हम वो मुसाफिर नहीं जो चलना छोड़ देंगे ख्वाबों को महत्ता रखते हैं हम मंजिलों से रास्ता रखते हैं नशा हमें हमारी फिरत का हर हर कश्ती है फुलंद इरादा जीत का ये मुकाम नहीं हौसला तो क्या नए ठिकाने नगर में कोई राम बचाने नारी में कोई सीता है नधरा बचाने के लिए खातिर कोई विष्णु संकट बचाने के खातिर विष्णु कोई संकट पीता है ना श्री कृष्ण साथ हर भागवत का किसी में ज्ञान बचा है न हरिश्चंद्र साथ सत्य किसी के अंदर रचा बसा है न गौतम बुद्ध सा धैर्य बचा है नानक जी जैसा परम त्याग बस नाच रही है लड़के भीतर प्रतिशोध की कुटिल आग कि किसी ध्वनि को सुन के तुम भूले नहीं समाते हो तुम खुद को श्रेष्ठ बताते हो तुम किस पिता की भांति अपने ही जीत पे अड़ रहे तुम किस पिता के भांति अपने ही जीत पे अड़ रहे तुम अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हो तुम किस पिता के भांति अपने ही जीत पे अड़ रहे तुम अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हो तुम सभी के तरह तुम सब जीवन में सितारा था मना या बहुत प्यारा था या डूब गया अमर के आनंद को देखो कितने इसके तारे टूटे कितने इसके प्यारे छूटे जो छूट गए फिर कहाँ मिले पर बोलो टूटे तारों पर तो अमर शोक मनाता है जो बीत गई सो बात गई जीवन में वह था एक कुसुम थी उस पर निछावर तुम वह सूख गया मधुबन की छाती को देखो सूखी किसकी कितनी कलियाँ सूखी मुरझाएँ इसकी कितनी मकड़ियाँ जो मुरझाए की कहाँ खिली पर बोलो सूखे फूलों पर जो मधुबन शोर मचाता है जो बीत गई सो बात गई जीवन में था एक मधु का प्याला तुम थे तुम तन मत जीवन में मधु का प्याला था तुमने तन मन से डाला था वो टूट गया तो टूट गया निराले का आगन देखो वर्षों से जो बल पड़े उन्हें को खोलो नारी आओ बोलो अब तक जो मन फटके पीछे ढाँप रही है अपनी मुख को छोड़ के पढ़ बोलो नारी सबसे पहले प्रश्न करो उन माताओं से रोई जो लड़की होने पर हंसी पुत्र को पाए नारी होकर नारी को ही छोटा समझा सबने नारी होकर नारी ही लगी हृदय को चुभने शिव के तीन नयन सुने दो अपने दो तो खोलो नारी आओ बोलो मत पूछो हौसले हमारे आज कितने विशब्द हैं एक नई शुरुआत नया आरंभ तय है माना अभी हम निशब्द हैं ये पड़ावर छूट गया तो क्या नया सागर ढूंढ लेंगे हम वो कश्तियाँ नहीं जो तैरना छोड़ देंगे कदम चलते रहेंगे जब तक खास हैं सांस है परिस्थिति से परे स्वयं पर हमें विश्वास है एक रास्ता मिला नहीं तो क्या नई राहें ढूंढ लेंगे हम वो मुसाफिर नहीं जो चलना छोड़ देंगे ख्वाबों को महत्ता रखते हैं हम मंजिलों से रास्ता रखते हैं नशा हमारी फितरत का हार कर करती बुलंद इरादा जीत का ये मुकाम नहीं हासिल
मनुष्य तो क्या नए ठिकाने ढूंढ लेंगे, हम वो सह नहीं जो अपनी तलाश छोड़ देंगे, हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे, हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। आगे चलना और बढ़ना है तो करना होगा परिश्रम भारी, आगे चलना और बढ़ना है तो करना होगा परिश्रम भारी, इसलिए वो बन जाती है शिक्षा जीवन की तैयारी। शिक्षा से जीवन बनता है, इसी से होती है विजय हमारी, शिक्षा से जीवन बनता है, इसी से होती है विजय हमारी, शस्त्र कलम है अब तो अपना, जाने अब यह दुनिया सारी, पढ़ लिख कर अब हमें बढ़ना है, रोक सके ना दुनिया सारी, पढ़ो लिखो बस यही है नारा, बदले की तकदीर हमारी, शिक्षित होकर बांध बनाए, शिक्षा से कारखाने चलाए, शिक्षित होकर बांध शिक्षा से कारखाने चलाए, शिक्षा से अब बने हमारा प्रगतिशील हो जाए गति हमारी, अनुशासन और विनय सुविधा नम्रता को सब के मन में शिक्षा से हम। तुम मन की आवाज़ सुनो, तुम मन की आवाज़ सुनो, जितना हो ना शमशान बनो, पीछे नहीं आगे देखो, नई शुरुआत कर दो, मंजिल नहीं कर्म कर लो, कुछ समझ ना आए तो गुरु का ध्यान करो। तुम मन की आवाज़ सुनो, लहड़ों की तरह किनारों से टकरा कर मत लौट जाना फिर से सागर, साहस में दम भरो, तुम मन की आवाज़ सुनो, सपनों को देख कर आगे बंद मत करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, सपनों प्राप्त की। इनको सर्वाधिक शिक्षा
जब अनामिका बड़ी हो जाती है तो उन्हें बहुत सारी कविता लिखी। वो बड़ी होती है तो उन्हें बहुत सारी कविता लिखी, उन्हें बहुत सारा पुरस्कार भी मिलता है। तो चलिए अब हम पुरस्कार देखते हैं। अरे